तो आप लोगों की भरपूर तालियों में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इंजमाम भाई आए और प्रोसीडिंग्स का स्टार्ट करें। अच्छा जी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बड़ी खुशी हो रही है इतने सारे लोगों को यहाँ पे देख के। मैंने कल एक बात जिक्र की थी निशान भाई से, वो मैं आपसे दोबारा डिस्कस करना चाहूँगा कि दुनिया में जो काम किसी से नहीं होता वो काम पठान से होता है, वो पठान करता है। जितने मुश्किल तरीन काम है मैं अच्छा, और दुनिया में मैं आज तक जहाँ भी गया हूँ, यूरोप हो गया या गल्फ कंट्रीज हो गई, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे पठान अपनी खिदमत अंजाम नहीं देगा। तकरीबन जितने मुल्कों में मैं गया हूँ मैंने ये देखा है कि पठान ने वो शोबे संभाले हैं जो उस माशरे में उस मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि जो काम किसी से भी नहीं होता है ना वो काम पठान से होता है। तो अगर आप सब लोग मेरी इस बात से अग्री करते हैं तो जरा अपने लिए एक दफा तालियां बजाएं। तो कराची में हम पिछले 10 सालों से ये आईटी की तालीम दे रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट और मोबाइल एप्लीकेशन बनाना हम सिखा रहे हैं और ये जितनी भी कटिंग एज नई टेक्नोलॉजी है जिसकी मार्केट में डिमांड है वो सारी हम कवर कर रहे हैं। तो अब मैंने इतनी बड़ी बात जब कह दी है तो अब आप लोगों पे ये बनता है कि जितना रिजल्ट पिछले 10 सालों में कराची ने दिया है आपने उसका 100 गुना रिजल्ट दिया है। इसी के साथ हम आ जाते हैं इधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे मैंने टैगलाइन लिखा है कि न्यू वे ऑफ डूइंग गूगल एंड बाइंग प्रोडक्ट्स दैट इज टेकिंग ओवर एवरीथिंग। ये एक नया तरीका है। मिसाल के तौर पर अभी अगर मेरे जहन में कोई सवाल होता है तो मैं क्या करता हूँ, उस सवाल को मैं गूगल करता हूँ और उसको गूगल करके उसका मैं जवाब दूंगा। अच्छा, ये एक नया तरीका आ गया जो AI है ना, ये एक नया तरीका आ गया है चीजों को गूगल करने का। तो अब इसकी तरफ हम जाते हैं, लेकिन पहले जो है ना आप सब लोग जरा मुझे बताएं, सबसे पहले तो आप लोगों से दोस्ती लगानी है ना। कोई भी काम सबसे पहले दोस्ती होती है उसके बाद काम होता है। तो आप लोगों से दोस्ती लगाने के लिए जरा इंटरेक्टिव बनाने के लिए ना सेशन को जरा आप लोग मुझे बताएं कि जब आप सुनते हैं AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपके जहन में क्या बात आती है, क्या समझते हैं आपके, व्हाट इज द AI? ChatGPT समझते हैं आप? और लोग बताएंगे अच्छा, कभी कभी अगर रोबोट की कोई बात आ जाए तो जहन में AI सुन के वो रोबोट जैसी कोई चीज आती है, जैसे चिट्टी रोबोट है उस तरह की कोई चीज आती है। और लोग थोड़ा ओपिनियन अपना शेयर करें, पीछे से कोई बताएं दोस्त। ब्राइट फ्यूचर, अच्छा यूटोपियन फ्यूचर दोस्त के सामने आता है जब AI की बात होती है तो कोई ऐसी ऐसा फ्यूचर आता है जिसमें मशीनें इंसानों की खिदमत करती है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और लोग थोड़ा शेयर करें, किसी का और कोई ओपिनियन है कोई? जी दोस्त आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सेल्फ डूइंग मशीन, ऐसी मशीन जो खुद से सारे काम करे, समझदार हो। अच्छा, तो जैसा कि नाम से भी जाहिर है ना कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि मसनूई को जानत की बात हो रही है, तो ऐसी मशीन हो जो समझदार हो, वे खुद से चीज़ें समझती हो, जानती हो और इंसानों की खिदमत करें, लाइक है, तभी तो उसका कोई फायदा है, वरना उसका कोई फायदा नहीं। अगर इंसानों को सर्व ही नहीं करना तो कोई फायदा थोड़ी उसका। अच्छा, तो AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो एक प्रोसेस भी है जिसमें हम क्या करते हैं, मशीन को कोई भी बात सिखाते हैं, समझाते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर आप देखें आजकल वो नए वाले कैमरे हैं, उसमें हेड ट्रैकिंग है, बंदा देखता है ना वो खुद कैमरा से घूमता है, तो ये एक समझदारी है उसके अंदर कि वो बंदे को पहचान लेता है कि किधर है। आजकल ड्रोन जो नए वाले हैं, वो कार रेसिंग होती है ना उसमें वो ड्रोन चलाते हैं, वो ड्रोन ऑब्जेक्ट पे लॉक हो जाता है, आपको कार चलती है 100 की स्पीड से तो ड्रोन भी पीछे पीछे चलता है, उसको वो पकड़ के रखता है, उसकी समझदारी उसकी जाना। अच्छा, तो ये जो काम करने का जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग, AI कहते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो इसका निकल के जो प्रोडक्ट तैयार होती है उसको भी इन जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कहते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि ChatGPT का दोस्त ने जिक्र किया। तो ChatGPT जो है वो मशीन लर्निंग
कि इस प्रोसेस का, इस एआई के प्रोसेस का एक नतीजा है, एक रिजल्ट है, एक प्रोडक्ट है, जो आप सब लोग, आप सब लोगों ने चैट जीपीटी का नाम सुना है? यस सर। अच्छा, तो चैट जीपीटी एक चैट बॉट है। अच्छा, तो ये स्पॉइलर मैंने आपको दे दिया, और नेक्स्ट हम यही करने जा रहे हैं। अब चैट बॉट क्या है? चैट बॉट एक ऐसे नए तरह की कंप्यूटर है जिनसे आप बोल के बात करें। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने भी आपसे एक सवाल पूछा, आपको ओपिनियन लिया, आपने जवाब दिया। अच्छा, फिर मैं कोई बात पूछूंगा आपसे, आपके सामने तो बैक एंड फोर्थ जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो बैक एंड फोर्थ बातचीत हो रही है दो इंसानों के दरमियान, इस तरह से अब कंप्यूटर से बातचीत हो रही है, ये है चैट बॉट। अच्छा, और ये चैट बॉट इस एआई के प्रोसेस का एक नतीजा है। एआई से तो बहुत सारी चीजें बन रही है, तो चैट बॉट वन ऑफ दोस थिंग्स। अच्छा, मिसाल के तौर पर अभी देखें, अगर आप सब लोगों के पास ना, आपको डेमो कराता हूँ, अगर आपके पास एंड्रॉइड का फोन है तो उसमें आप होम के बटन को प्रेस करके रखेंगे ना, तो एक गूगल असिस्टेंट जाग जाता है, और अगर आपके पास आईफोन है तो आप पावर का बटन दबा के रखेंगे तो सीरी उसमें से जाग के बाहर आ जाती है। अच्छा, ये मैं कहता हूँ, व्हाट इज द वेदर राइट नाउ? अच्छा, दोबारा इससे पूछते हैं, व्हाट इज द वेदर राइट नाउ इन पेशावर? अर्लीस्ट राइटिंग है,
अर्लीस्ट राइटिंग, ये जो सबसे पुराना लिखा हुआ नुस्खा, यानी उससे पुरानी राइटिंग इस वक्त दरियाफ्त की हुई और वो 500 साल पुराना है, 5000 साल पुराना है, ठीक है ना, 5000 ईयर्स ऑफ, तो वो सबसे पुराना लिखा हुआ नुस्खा है जो कि शायद उसमें बारों में लिखते थे। और वो किस टैबलेट, क्या होता था, क्ले का टैबलेट होता था, जो चिकनी मिट्टी होती है उस तरह की, उससे ना बना के वो टैबलेट यानी तख्ती जैसी बना के उसके ऊपर वो उसको कुंदा करते थे, खोद के उसको लिखाई, तो दैट इज कॉल्ड किश टैबलेट। आप लिखेंगे गूगल पे तो ये फोटो आ जाएगी, जिनके पास फोन है वो लिख के चेक भी कर सकते हैं कि वो दिखने में कैसा होता है करीब से, अर्लीस्ट राइटिंग है वो। अच्छा, और जो दूसरी तरफ एक पेंटिंग बनी हुई थी उस फोटो में, उस पेंटिंग में जो है ना निंद्राल फैमिली को दिखाया गया। अच्छा, निंद्राल फैमिली वो मिस्टर वुड्स करके एक पेंटर है बड़े मशहूर, उनकी पेंटिंग थी वो। अच्छा, तो जो निंद्राल जो फैमिली है वो भी क्या है, वो रियल में तो नहीं एग्जिस्ट करती, जो पुराने फॉसिल्स जो मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, तो जो सबसे पुराना जो मैनकाइंड की जो खोपड़ियाँ और जो बाकियात मिली उसमें निंद्राल फैमिली एक फैमिली की पूरी खोपड़ियाँ मिली थी, जिसको साइंटिस्ट ने ये नाम दिया है निंद्राल, मुश्किल सी प्रोनाउंसिएशन, अपने मुँह पर नहीं चढ़ती, थोड़ी सी डिफरेंट है वैसे, निंद्राल एग्जैक्टली नहीं बोलते, निंद्रा थाल इस तरह करके बिल्कुल, वो आप देखिएगा गूगल पर तो आपको पता लगेगा। तो उनका उनको जब स्टडी किया ना साइंटिस्ट ने, तो उनके थ्रोट के स्ट्रक्चर को देख के साइंटिस्ट ने ये प्रेडिक्ट किया कि ये कुछ बोलते थे, ये कुछ बात करते थे आपस में, कोई आवाज़ निकालते थे, है ना, क्योंकि देखें आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को, हड्डियों के स्ट्रक्चर को देख के आपके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जो लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं उनकी जो हड्डी का स्ट्रक्चर है, जो बैकबोन है, उसको देख के ये बात बताई जा सकती है कि ये हॉर्स राइडिंग, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। किसी ने अगर आप में से हॉर्स राइडिंग की है तो आपको अंदाजा होगा कि वो कितना मुशक्कत वाला काम है, वो एकदम झटका लगता है, है ना। कोई बाइक राइडर है या कोई गेमर है जो पूरे दिन बैठ के सीट पे, आजकल बड़ा हो गया ना, गोरे बच्चे सारे गेमिंग करते हैं आजकल, उसी से पैसे कमाते हैं, तो वो पूरे दिन वो बैठे रहते हैं, तो उनके जो बॉडी का जाहिर स्ट्रक्चर है वो एक हॉर्स राइडर से तो बहुत मुख्तलिफ होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर देख के आपकी जिंदगी के बारे में आप क्या करते रहे हैं, क्या खाते रहे हैं, किस तरह के माहौल में आप रहे हैं, कि आप समुद्री इलाके में रहते थे तो आपकी हड्डियों में नमक मौजूद होता है, आप इनहेल करते हैं जो, या आप अगर कोई गोश्तखोर थे, गोश्त खाने वाले लोग थे, या आप कोई सब्जीखोर थे, आपने जिंदगी में सब्जियां ज़्यादा खाई हैं, तो वो पूरा आपकी बॉडी के DNA को जो है ना वो इस तरह से चेंज करते हैं कि वो कभी भी जिंदगी में आपकी बाकियात मिले किसी को तो वो देखते ही है, हमारी तो साइंस इतनी तरक्की कर गई है। तो वेल, वो कुछ बोलते थे, कुछ आवाज़ निकालते, और वो जो जो निंद्राल फैमिली की जो खोपड़ियाँ जो मिली हैं, दैट इज 100,000 ईयर्स ओल्ड, 100,000 पुरानी खोपड़ियाँ। अच्छा, तो कॉन्क्लूड इससे ये हुआ कि मोस्ट प्रॉब्ली मैनकाइंड ने बोलना पहले सीखा, लिखना बाद में सीखा, और अभी भी अगर आप अपने सराउंडिंग में नजर दौड़ाएं या आप देखें तो जो नई लैंग्वेजेस फॉर्म होती हैं वो पहले लिखी नहीं जाती, पहले बोली जाती है। फेगी बोली किस किस को आती है यहाँ, फेगी बोली नहीं आती? अच्छा, वो स्कूल के बच्चे होते हैं वो फेगी बोली मनाते हैं, आई एम नॉट श्योर यहाँ पे इस तरह की कौन सी होती है फेगी बोली, आपको पता? अच्छा, वेल, तो जो भी नई जुबान पागल फॉर्म होती है वो पहले स्पोकन होती है, उसके लेटर्स वगैरह वो बाद में लिखे जाते हैं। अभी रिसेंटली है हमारे एक दोस्त हैं मौलाना साहब, तो वो मेो हैं, निवासी हैं, तो उनको प्रॉब्लम यही कि वो अपना NIC बनवाने गए, तो उन्होंने कहा कि यार मादरी जुबान ना मेरी आप लिखें मेवाती है। उसने कहा मेवाती कौन सी जुबान होती है, ये तो है ही नहीं, हम पता ही नहीं। उसने कहा ये देखो मेरे उसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम में ना इस जुबान का नाम ही नहीं आ रहा। उसने कहा ये क्या बकवास है, तो उनकी तो कम्युनिटी है, तो वो उन्होंने एहतजाज किया, गए वो जो भी गवर्नमेंट के अहदेदार रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने कहा यार आप ना एक काम करें, आपकी लैंग्वेज रिकग्नाइज नहीं है हमारे पास, तो आप हमें एक अपनी जुबान का कायदा जमा कराएं, एक कौमी तराना अपनी ज़ुबान में आप जमा कराएं, और इस तरह की दो चार बातें दर्सी किताब वगैरह, तो हम आपकी ज़ुबान की लिस्टिंग कर देंगे आप। तो अब वो अब फ़ायदा लिख रहे थे, तो वो हरूफ तहज्जी कितने होते हैं उसके लिए रिसर्च हो रही थी, तो मैं बैठा होता था, मैंने यार क्या रिसर्च हो रही, कह रहे हैं वो हमारी ज़ुबान में कितने हरूफ तहज्जी हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमने तो कभी लिखा ही नहीं है, हम तो बोलते हैं। तो जितनी भी ज़ुबानें नई फॉर्म होती हैं वो पहले बोली जाती हैं और वो लिखी नहीं जाती, पहले लिखना तो उसको बाद में उसके लिए हरूफ डेवलप करते हैं। तो हम मैं एज अ मैन काइंड हमने पहले बोलना सीखा, हमने लिखना उसको बाद में सीखा, उसके लिए हरूफ बाद में डेवलप किया। अच्छा, तो इससे ये पता लगा कि हमारा जो बोलने का और सुनने का एक्सपीरियंस है
वो 100,000 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और लिखने का एक्सपीरियंस नस्बतन बहुत कम है, 5% है, थोड़ा सा। अब इससे मैं साबित क्या करना चाह रहा हूँ, इससे मैं साबित ये करना चाह रहा हूँ कि आप देखें कितना बड़ा फर्क है। जितनी तेजी से मैं बोलता जा रहा हूँ, क्योंकि आपको बोलने और सुनने का एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो जितनी तेजी से मैं आपको बोलता जा रहा हूँ और आप सुनते जा रहे हैं और उसको समझते जा रहे हैं, इतनी तेजी से मैं लिख नहीं सकता, ना ही आपको अगर लिखा हुआ दे दिया जाए तो आप पढ़ भी नहीं सकते इतनी तेजी से। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, तो ये डिफरेंस जो है मैंने वहां पे नुमाया किया है। तो बात ये हुई थी कि भाई हमें एक ऐसी ऐप क्यों चाहिए कि जिससे हम बोलने बात करें। अभी तो जो एंड्रॉइड के जो बटन दबा के जो ऑर्डर होता है वो भी तो ठीक है, तो इस वजह से चाहिए क्योंकि हमें बोलने और सुनने का एक्सपीरियंस ज्यादा है। हमारी जो कंप्यूटिंग के साथ जो हमारा बॉटलनेक है, बॉटलनेक मतलब क्या, किस जगह पे जाके वो, क्योंकि प्रोसेसर तो बहुत फास्ट हो चुके हैं, प्रोसेसर तो अभी पर्सनल कंप्यूटर के अंदर पता नहीं वो 128 GB रैम तो अभी वो नॉर्मल हो गया है पर्सनल लैपटॉप के अंदर, और पता नहीं वो 6-6 GHz के जाना वो 10-10 कोर वाले प्रोसेसर, पता नहीं 20-20 कोर वाले, और उसको मल्टीप्लाई करें तो वो माइंड ब्लोइंग स्पीड है। कंप्यूटर का प्रोसेसर इज नॉट द लिमिट, वी आर द लिमिट, क्योंकि हम माउस का बटन दबाने में और कीबोर्ड का बटन दबाने में हमें लगता है टाइम, प्रोसेसर को तो जैसी इंस्ट्रक्शन मिलती है वो करता है, उसको इंस्ट्रक्शन मिलती देर से। अच्छा, और अगर आप एक कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देनी है आपने और वही इंस्ट्रक्शन एक इंसान को देनी है तो आप उसको फौरन एक जुमला बोलते हैं, समझ जाता है सारी बात, कंप्यूटर को आपको बटन दबाने पड़ता है ना। आप देखिए जितने, जैसे अगर कोई किसी सॉफ्टवेयर हाउस में कोई बच्चा है जो ग्राफिक डिजाइनर, उसको अगर मैंने इंस्ट्रक्शन देने के लिए एक पोस्टर बनाया जो हम करने जा रहे हैं चैटबॉट डेवलपमेंट की वर्कशॉप करने जा रहे हैं, उसका एक पोस्टर आप बनाएं, तो मैं, मेरा कहना है कि 4-6 जुमलों में उसको पूरा समझा दूंगा और वो बना के मुझे दे देगा। ऑन अदर एंड अगर वही बात कंप्यूटर को समझानी पड़े मुझे तो फोटोशॉप खोलूंगा और मुझे शायद 5 मिनट ना लगे उसको बताने में, शायद मुझे 2 घंटे तक, है ना। तो वी आर द बॉटलनेक, तो इस वजह से हमें एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए जिससे हम बोल के बात कर सकें। बोलना और सुनना इज द नेचुरल वे ऑफ कम्युनिकेशन, आप इंसान एक दूसरे से 100,000 ईयर्स से इसी तरह कम्युनिकेट करते आ रहे हैं, तो कंप्यूटर से भी इसी तरह कम्युनिकेट होगा ना तो एकदम फास्ट हो जाए। अच्छा, इसका भी मैं आपको डेमो कराता हूँ, ये मैंने दोबारा इसको, अच्छा इससे मैं कहता हूँ सेट अलार्म आफ्टर 6 मिनट्स फ्रॉम नाउ, 6 मिनट्स काउंटिंग डाउन, क्या मैं इससे बोलूंगा सेट अलार्म 4:55 PM। मैंने 2 अलार्म सेट कर दिए 1 मिनट से भी कम वक्त में, मैंने 2 अलार्म सेट कर दिए। यही काम ना आप सब लोग, आप सब लोगों का फोन है एंड्रॉइड फोन या स्मार्टफोन कोई सा भी, आप ये ट्राई करें अगर अपने पास, आप उसको एक टाइम बताएं कि इतने बजे का अलार्म सेट करो, एकदम क्विक है, आप देखिए कितनी स्पीड से हुआ। अगर ये काम मुझे क्लॉक की ऐप खोल के करना पड़ता तो शायद मुझे 10-12 क्लिक करने पड़ते, 10-12 दफा उंगली टच करनी पड़ती। अभी मुझे क्या करना पड़ा, कुछ भी नहीं, मैंने एक बटन ऐसे दबाया, अच्छा वो भी अभी दबाना पड़ता है लेकिन कुछ अरसे बाद तो कंप्यूटर को ये ऐसे दबाना नहीं पड़ेगा या कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ इमरान ऐसे करके तो नहीं बोल रहा ना, तो ये शुरू की टेक्नोलॉजी, इस वजह से उसको शुरू में वो बटन दबा के बोलना पड़ता है, वरना थोड़े दिनों में ये भी खत्म हो जाएगा, फिर आप डायरेक्ट कंप्यूटर से बात करें। तो ये आप सब लोग करके जरा देखें, ट्राई करें अपने अपने फोन में, यही काम जरा क्लॉक की ऐप खोलें उसमें जाके करें और यही काम बोल के करें, जैसे सेट अलार्म और आफ्टर 5 आवर्स फ्रॉम नाउ समथिंग लाइक दैट। क्योंकि अब मैं, मेरा 10 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के साथ ना एक बड़ा मसला है, नींद पूरी नहीं होती। अच्छा, नींद क्यों नहीं पूरी होती है भाई, क्योंकि ज्यादातर जो काम होता है वो US टाइम जोन के हिसाब से होता है। अच्छा, जब हमारा शाम के बजते हैं 7 तो उनके सुबह के बजते हैं 7, 12 घंटे का डिफरेंस है, कहीं 10 घंटे का है, कहीं 11 घंटे का है, तो उनकी सुबह होती है हमारी शाम होती है, तो हम जाग जाते हैं शाम को। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, क्योंकि मैं पढ़ा भी हूँ साथ साथ, सैलानी को सुबह सुबह क्लासेस होती है 9 बजे, यहाँ पे भी इंशाल्लाह हुआ करेंगे सुबह सुबह, तो जब रात के 2-3 बज जाते हैं ना तो मैं बहुत थक जाता हूँ उस वक्त। अच्छा, उस वक्त तक मुझे अगर मैंने
क्लॉक की है खोल के अलार्म सेट करने की कोशिश की, तो मुझे वो एम पी एम में उल्टा लगाऊंगा और अलार्म सुबह 7 बजे बजने के बजाय शाम से 7 बजे बजे। लेकिन मेरा मसला इससे हल हो गया, मैं उसको बटन दबा के बोलता हूँ कि यार ए सी सेट अलार्म आफ्टर 6 आवर्स फ्रॉम नाउ, आपको खुद उसको हिसाब लगाए कि 6 आवर कितने बनते हैं कितनी देर का, क्योंकि मुझे 6 घंटे की नींद तो लेनी है ना एटलीस्ट, क्योंकि 12 घंटे 14 घंटे काम करने के बाद 6 घंटे की नींद जरूरी है, तो फिर उसके बाद मैं निकलना कि अगर वो अलार्म मैंने गलत लगाया गलती से तो वो बच्चे बेचारे क्लास में बैठे बैठे वेट करते रहेंगे और मैं सुबह। अच्छा तो ये हमने देखा, इसके बाद जो यहाँ पर बात हुई है ना, हाँ ये अभी तक इस पर शो नहीं हुआ। वेल असल में मैं स्लाइड इसलिए लगा लेता हूँ क्योंकि मैं बातों नहीं हूँ ना, बातें करने की आदत है और बड़ा मज़ा तो आता है बातें करने में, तो मैं बातों में कहीं और से कहीं और ना निकल जाऊँ, इसलिए मैं स्लाइड ज़रूर रखता हूँ। अच्छा अगली स्लाइड पे ना मैंने ये डेस्टिन कोड करके एक है दोस्त, इनकी बुक इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे भी इस कोर्स में ना, तो उन्होंने लिखा है कि यार हाउ मेनी टाइम्स योर एंसेस्टर परफॉर्म द स्वाइप एंड पिंच जेस्टर्स, पिंच जो है ना ज़ूम करते हैं वैसे वीस ऑफ कर रही है और वो स्वाइप जैसे ऊपर करते हैं अनलॉक होता है, वो कह रहे हैं कि आपके एंसेस्टर्स ने, एक तो हमने देखा कि बोलने का एक्सपीरियंस हमारा 100,000 ईयर्स है, लिखने और पढ़ने का एक्सपीरियंस 5,000 ईयर्स है, और जो हम करते हैं टाइपिंग इसका एक्सपीरियंस कितना है हमारा 0। हमारे एंसेस्टर्स के टाइम में तो कंप्यूटर था ही, ये तो हमारे टाइम पर आया सन 2000 में जब मैंने आप खोली, तो उस वक्त कंप्यूटर इतने महंगे होते थे कि अभी जैसे किसी के पास रिपोर्ट डाला है ना तो ऐसे कंप्यूटर होता है, सिर्फ पैसे वाले लोग ही अफोर्ड कर सकते थे, गरीब लोग सोच भी नहीं सकते थे, और कोर्सेज इतने महंगे थे कि वो तो फिर बात ही खत्म हो गई, तो उस वक्त कंप्यूटर मेरे कुछ रिश्तेदार, मेरे पास तो कंप्यूटर बहुत देर में आया जब मैं कॉलेज वगैरह में पहुंच गया, तो मेरे कुछ रिश्तेदार थे जब छोटे छोटे थे उनके घर पे कंप्यूटर होता था, उसको वो बकायदा ऐसे ना उसके लिए कवर सिले जाते थे जैसे वो उसको लपेट के ना उसमें और उसको रखा जाता था कि यार इस पर कोई धूल मिट्टी ना लग जाए और खराब ना हो, पर ये विंडो वगैरह इंस्टॉल करने में रैम वैम आगे पीछे हो गई तो वो दुकानें होती थी उसके बकायदा, अब तो खत्म हो गई सारी, अब तो लोग खुद ही करते हैं इसमें समझ आ रहा है, तो वो उस टाइम तो वो तो था ही कंप्यूटर कहाँ टाइपिंग और कहाँ टच स्क्रीन तो आई 2007 में जब पहला आईफोन 3G इन्होंने लॉन्च किया तो उसमें इन्होंने कैपेसिटिव टच किया जो सक्सेसफुल हुआ, तो 2007 से पहले टच स्क्रीन था ही नहीं हो रहे, तो हमारा जो इस वक्त जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस है यानी ह्यूमन जिस तरह से कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है उसका हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं, जीरो एक्सपीरियंस, इस वजह से हमें एक ऐसे इंटरफेस की जरूरत थी जिसका हमें बहुत एक्सपीरियंस है, और उस इंटरफेस के आने से हमारी कंप्यूटिंग आप देखें एकदम तेज हो गई। अच्छा बहुत हो गया, ये तो बातें तो बहुत हो गई ना, बातें तो हर कोई करता है, अब हमें करना ये था कि यहाँ पे छोटा सा डेमो करना था, लेकिन मेरा ख्याल है कि बंदे को तो कोई बात कह दो तो बुरा भी लगता है उसको कभी, फिर वो बेचारा नर्वस हो जाता है, फिर वो थोड़े दिन तक उसकी परफॉर्मेंस हो जाए फिर डाउन रहती है, तो कंप्यूटर में ये सारे मसले तो हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा तो हमने डेमो करना था, आई एम नॉट श्योर कि अभी डेमो हमारा पॉसिबल हो गया या नहीं होगा, दूसरा भी काम है सर, दूसरा बोला पहले अच्छी बात है दूसरा आ जाए। अच्छा तो इतनी देर में जरा मैं आपको बताऊँ, मैं अपनी तरह जर्नी आपसे शेयर करूँ, मैं जब 2010-11-12 में जब मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सफर शुरू किया तो मैंने जो सफर शुरू किया था वो वेब डेवलपमेंट से किया, जो वेब एप्लीकेशन है इसके बनाने से शुरू किया। अच्छा तो उसमें माशाल्लाह से करियर वगैरह सेट हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तो 2016 में मैंने देखा कि यार हर कोई ना AI की बात करता है, अच्छा क्योंकि दुनिया का आपको पता है ग्लोबल विलेज है, इंटरनेट के आने के बाद जो बंदा इंटरनेट का एक्सेस है जिसके पास, तो वो बंदा
पूरी दुनिया है उसके लिए एक गाँव है, एक छोटा सा गाँव जिसमें जो भी होता है सामने पता लगता है। YouTube की वजह से, Netflix की वजह से और जो न्यूज चैनल इंटरनेशनल है उनकी वजह से पूरी दुनिया की खबर आपको जो है आपके बेडरूम के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर आपको मिल रही है। दुनिया ग्लोबल विलेज है। तो 2016 में जब मैंने डिसाइड किया कि यार मैंने अब AI को परसू करना है, मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, मुझे चैट बॉट पता है। उस वक्त चैट बॉट का नाम दुनिया में बहुत ही कम लोग थे जो चैट बॉट का नाम जानते थे। उस वक्त गूगल असिस्टेंट और सीरी नए नए लॉन्च हुए थे। अच्छा, तो मैंने ये डिसाइड किया कि यार मैं इसको परसू करूँगा। अच्छा, तो मेरे जो अपने दोस्त थे ना मेरे साथ, जो कोलीग्स थे मेरे और मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस डेवलपर्स जो थे, तो वो मुझसे कहते थे कि यार इंजाम भाई आप क्या करते रहते हैं साइड में बैठ के गूगल गूगल कहते रहते हैं, इससे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, और वाकई उस वक्त अगर कोई कोई समझदार बंदा अगर उसको पूछा जाता ना कि इसकी वैल्यूएशन करे, तो वो भी यही कहता कि यार कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं क्यों इस फील्ड को परसू करना शुरू हो गया, वो भी मैंने आगे स्लाइड में लिखी थी बात कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अच्छा, वो क्या है हदीस कि कोई कयामत में एक वक्त ऐसा आएगा कि उसमें तीन चीजों का जिक्र है हदीस में, कि जूती का तस्मा आपसे बात करेगा। अच्छा, और प्रेडेटर आपसे बात करेंगे, प्रेडेटर यानी दरिंदे शेर चीते वगैरह आपसे बात करेंगे, और भी जिक्र है जिनको मैं बोल रहा हूँ क्या है। तो वो जब हदीस मेरी मदद से गुजरी ना, तो मेरी तो एकदम आप मिल गई। अच्छा, फिर मैंने उसको रिसर्च करना शुरू किया, जो लोगों ने उसके तबसरा किया उसके बारे में, अबू सईद अल खुदरी से रिवायत थी, आप सब लोग इसको जाके गूगल कर सकते हैं। अभी वो मैंने रेफरेंस लिखा होगा लेकिन अभी तो नहीं चल रहा, तो मेरी एकदम आप मिल गई। क्योंकि पिछले तीन सदियों में इस हदीस की अलग अलग इंटरप्रिटेशन होती रही। एक सदी में ये इंटरप्रिटेशन हुई इसकी कि यार जो ज्योति का तस्मा आपसे जो बात करेगा ना, असल में ज्योति जमीन की बात है, तो जमीन हमारी ज्योति है, तो जमीन हमसे बात करती है, हमसे बात किससे करती है, दूसरा। तो ये उस सदी के मौलाना को जो ये बात समझ आई बेस्ट दूसरी इंटरप्रिटेशन, तो ये कि यार शायद ये जमीन की बात है और GPS जो है ना वो बात हमसे कर रहा है, शायद ये वाली बात है। अच्छा, फिर कभी ये ट्रैफिक सिग्नल से इसको ताबीर किया गया, शायद ये ट्रैफिक सिग्नल की बात, क्योंकि वो भी तो जमीन हमें बता रही है कि इस तरफ गाड़ी है, तो इस तरह मुख्तलिफ काफी हुई। लेकिन 2006 में क्या हुआ कि नाइकी ने एक शूज बनाया, उस शूज में ना बकायदा इधर ये इतना बड़ा स्पीकर लगा दिया, टॉकिंग शूज आप लिखेंगे तो आपको आ जाएगा गूगल पे। अच्छा, वो शूज क्या करता था, आप जब रनिंग करते थे ना बात करते थे, तो वो आपसे कहता था कि यार आपने इतनी कैलोरीज बर्न कर ली है, भागो और तेज भागो, आपका पेस अच्छा जा रहा है, कल से बहुत अच्छा दौड़ रहा है, मोटिवेट करते हैं ना। फिर आपको बताया कि यार आपके ना इतने स्टेप हो गए, इतने किलोमीटर हो गए, आज का जो टारगेट था आपका वो 50% कंप्लीट हो गया, वो गोल बोल के ना गोल सोच रहे आपको और मोटिवेट। तो आप देखें एकदम ये बात ना सच हो गई कि जूती और तस्मे वाली जगह पर ही लगा हुआ। अच्छा, तो मैंने इससे क्या मतलब आकाश किया, मैंने इससे ये मतलब आकाश किया कि जो ड्यूटी के तस्मे की बात हो रही है ना, इसका मतलब है कि तमाम चीज़ें आपके रुक गए ना, ये सब आपसे बात करेंगी, यहाँ तक के ड्यूटी का तस्मा भी आपसे बात करेंगे। मैंने से ये चीज़ आकाश किया। अच्छा, और देखिए 2016 में ये और उससे आगे आप चलते रहें, उसके अगले दूसरे साल तीसरे साल ओरियंट एसी वालों ने वो लॉन्च कर दिया कि आप ना बोल के एसी को ऑन ऑफ करेंगे। अभी मेरे घर पे जो TCL का एसी मैंने लगाया वो गूगल असिस्टेंट से ऑन हो गया। यार इंटरनेट डेड है बिल्कुल ना, कनेक्ट हो जाएगा फोर्थ तो कनेक्ट है मेरे पास। वो असल में मुझे ऐसा लग रहा है कि टीवी से डिसकनेक्ट हो चुका है, ये आ गया नहीं देखने में, ये टीवी पे है आ रहा है। अच्छा, ये उतार दिया। अच्छा, सही है। नहीं, वो मेरा ख्याल है चलेगा नहीं, फ़ायदा नहीं है ना।
क्योंकि वो ओवर द इंटरनेट शेयरिंग करता है ना यार. अब ये चल नहीं रहा है, मैं से लिंक कैसे शेयर करूँगा आपको? वाईफाई चल रहा है लेकिन ये खुल नहीं रहा ना. मुझे नहीं पता इसमें से ये वाला या कौन सा, इसका प्रीव्यू नहीं दिख रहा मुझे. अच्छा इसका मुझे प्रीव्यू नहीं दिख रहा. एक ट्रायल ले क्या बताऊँ. बताए कौन सा ये एंड्रॉइड वाला यार. मगर वो डेमो भी तो करना है ना, इसमें सारे अकाउंट्स लॉग इन है ना मेरे साथ. ओके अगर तो ये आपका चल रहा है ना वाईफाई, तो हम ये टीवी भी इसी से कनेक्ट कर देते हैं. कर दें? हाँ कर दें, कर दें. ये टीवी को वापस लगा दें. हो गया ये थोड़ी देर में आना होता है. वहाँ से वो बत्ती चली ना, थोड़ी देर में वो गूगल घूमेगा ना, थोड़ी देर में होता है. एंड्रॉइड का फ़ोन होता है ना जैसे. नहीं यार, वो असल में मैंने जो डेमो करके दिखा रहा है ना बच्चों को, एक छोटा चैटबॉट मैं चाह रहा हूँ बना के दिखा दूँ. तो वो अकाउंट्स इसमें सारे लॉगिन हुए हैं ना ऑलरेडी. तो सॉरी नहीं डोंगल नहीं, हाँ चार्ज को पूरा इसके 100% लेंगे. नेट यहाँ तो सेट हो गया. यार मैं आपको इसका लिंक तो क्या शेयर करेंगे, ख़त्म हो गई है इसमें, और कुछ है नहीं अभी. अच्छा ये सदीस पुनर का बात ख़त्म होती है. Thank you.
अच्छा जी, सो सॉरी यार, बड़ी इंटरप्शन हो गई। असल में पहली पहली दफा यहाँ पे सेशन हुआ है, अभी नया बना ही है, चीजें जरा सा आउट ऑफ कंट्रोल हुई है और इंटरनेट का हमारे पास मेन इशू आया है। इंशाल्लाह ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, तो ये इसका रेफरेंस आ गया नीचे। अच्छा, अब हम डायरेक्ट मूव करना चाहेंगे डेमो की तरफ, क्योंकि हमारे पास ना टाइम भी हो गया। तो आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा, एक छोटा सा चैटबॉट बना लिया जाए, ठीक है ना, ताकि, क्योंकि बातें तो यार हर कोई कर रहा है। आपको मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कोई ना कोई एक छोटी सी चीज़ आपको मैं सिखा के भेजूँ, तो आए जरा, अब इसको शुरू करते हैं।